अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं वापस लाहौर। प्लान बिल्कुल भी नहीं था, घर वालों को किसी को भी नहीं पता। मेरी पैकिंग हो गई है, काशी साहब हमारे पैकिंग कर रहे हैं। और मज़ेदारी की बात यह है कि अभी तक हमारी सीट भी रिजर्व नहीं है। मैंने फ़ोन करके पता किया है तो सीट अवेलेबल नहीं है। तो आपको सामान दिखाते हैं कि हमारे पास सामान क्या क्या है। मोस्टली सामान तो हम इधर ही छोड़ के जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर वापस आ। ये मेरा सामान ये है जस्टी बच्चों के लिए, उस दिन जो टॉयज़ लिए थे हमने कारखानों से। और एक ये बैग है, ये हमारे काशिफ साहब ये कर रहे हैं अपनी तैयारी क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट वीक नहीं आना, इनकी कोई शादी वगैरह है तो ये आएंगे बाद में। काशिफ साहब फटाफट से फ्रेश हों ताकि हम टाइम से निकलें, टाइम से निकलें और टाइम से हम अपनी सीट का देखें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो बस तकरीबन हमारी तैयारी कम्प्लीट है। तो अभी बज रहे हैं 10, हो सकता है 11 बजे तक हम निकल जाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह सफ़र में आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। ले जी, अब हम जा रहे हैं हाजी कैंप लारी अड्डे। ये हमारे काशिफ साहब हैं, ये कह रहे हैं जी जल्दी जाना है। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लेट निकलते, अभी टाइम हुआ है 10:30। तो अभी हमें गाड़ी कोई नहीं मिली, जलील होना है। तो आपको अड्डे वाली जलालत भी दिखाई साहब को हम कह के जा रहे हैं कि हम वापिस आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी हमें मिलने को नहीं, तो हमारे बिस्तरे बिछाने रखे। भाई गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन मैंने लाहौर पहुंचना है। काशिफ साहब ने अपने घर बता दिया है तो वो रात को निकल रहे हैं। मैंने अभी तक इन्फॉर्म बिल्कुल नहीं किया, तो सुबह जाके सरप्राइज भी देती है। नहीं जी, टिकट्स हमारी हो गई हैं 12 बजे में, वो भी करवाई है मैंने। लड़के बिजनेस, ये तो कह रहे एग्जीक्यूटिव पे जाना है, एक दो नंबर सीट हमारी है। मैंने बिजनेस पे जाना है, सो के जाएंगे और सुबह घर जाके फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। थोड़ी सी आपको नज़ारे भी दिखाएंगे सफ़र के दौरान। तो अभी 1 घंटा पड़ा है, तब तक वेट करते हैं और जैसी गाड़ी चलेगी फिर गाड़ी में बैठी। ये हमारे काशिफ साहब ने कहा है जी कि थोड़ी सी कोन खा ली जाए, कोन वाली आइसक्रीम, तो वो खाने के लिए रुके हैं। वैसे मैं इतनी पसंद कोई नहीं करता, सिर्फ काशिफ साहब की वजह से खा रहा हूँ। हाँ जी काशिफ साहब, आप खुश हैं? मज़े भी है, खा रहे। चलें जी अभी ट्राई करते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं बैठ के, तकरीबन ऑलमोस्ट जो वेटिंग एरिया वो खाली है। तो 11:30 हो गया, अभी आधा घंटा है हमारी गाड़ी निकलने में। तो जैसी गाड़ी चलती है फिर गाड़ी में बैठते हैं और रास्ते में भी आपको दिखाते हैं। थोड़ी बहुत व्लॉगिंग होगी क्योंकि रात का टाइम है, हो सकता है मैं सो जाऊं। तो गाड़ी आती है फिर गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के आपसे मिल। पैक है यार ये, हाँ बाबा ऐसे टेबल लगाना है इसको। हाँ जी काशी साहब, क्या रेडी हो? चलो बैठ गए हैं, हम बैठ गए हैं। 1 और 2 नंबर सीट हमारी है। ये देखो क्या किया भाई, सानिया वाले ने फैसल का लगाया। ये दोनों एक ही ग्रुप है। तो अभी बस गाड़ी चलने में है 1-2 मिनट, गाड़ी चलती है तो फिर हम भी सो जाएंगे। काशी साहब तो हमारे सोने लगे हैं। अभी हम रुके हैं बेरा सर्विस एरिया और हमारे काशी साहब सारा टाइम वॉशरूम में लगा देते हैं। इधर से तो मैं सारा टाइम तो तू वॉशरूम चला देना, गड्डी वहां तो निकल जाए। आपको शौक था कि चिकन खाना? कुछ भी नहीं खाना, ठीक है। जेजी वाले के पास चलते हैं। किसके पास? जेजी के पास। अच्छा, तो आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तलाश करते हैं, अगर मिल जाती है। चलें फिर जल्दी चलें ज़रा, क्योंकि गाड़ी का टाइम हो रहा है।
हम इधर बेरा सर्विस स्टेशन रुके हुए हैं, तो इंशाल्लाह बस 2-2.5 घंटे में पहुंचेंगे लाहौर। तो घर अभी बिल्कुल भी नहीं पता क्या मैं आ रहा हूँ, ना मैंने बताया काशिफ साहब ने। मेरी वाइफ रात को सोई नहीं अभी तक, मेरा इंतज़ार कर रही है कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और मेरी बेटी भी नहीं सो रही। काशिफ साहब ने इन्फॉर्म कर दिया था, अभी मेरी वाइफ का फ़ोन आया, मेरी बेटी भी नहीं सो रही। ठीक है, खाना कुछ नहीं, चलो फिर नहीं खाना तो ओके। मैंने अपने लिए लिया है एक सैंडविच और हमारे काशिफ साहब ने ओनली ओनली है जूस, क्योंकि इनका हो गया पेट ख़राब। तो ये पैसे सैंडविच को फिनिश करते हैं और अब हम एक ही बार जाके आपसे लाहौर में मिलेंगे। अब हम रास्ते में ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, रास्ते में मैं सो जाऊंगा। तो एक ही बार आपसे जाके हम मिलते हैं लाहौर न्याजी अड्डे। अरे कितना गया भाई, भाई अभी 2 घंटे पड़े हैं, 2 घंटे बहुत होते हैं। सड़क कर दा उधर लाहौर में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर पहुंच चुके हैं। तो अभी थकावट बहुत ज़्यादा हुई है, नींद आ रही है, तो मैं जा रहा हूँ अपने घर, काशिफ साहब जा रहे हैं अपने घर। मैंने काशिफ को बोला कि मेरे साथ आ जाए, लेकिन ये नहीं आ रहा। तो अब चलते हैं और घर जाके रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या काम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? नहीं जी, फाइनली घर पहुंच गया हम। बड़ी बेटी स्कूल चली गई है, उसे सरप्राइज़ देना है, मैं उसे स्कूल से लेने जाऊंगा। और छोटी बेटी हमारी दूध पी रही है, तो अभी हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं, फिर बहन को स्कूल लेने जाएंगे। हैं चीजी बहनी के पास है, जब बहनी आएगी ना, बहनी के पास बैग है, बहनी के बैग में चीजी है। ठीक हो गया? हाँ ठीक है, ओके। नहीं जी, सो के मैं उठ गया हूँ, सिर्फ हल्का सा मैंने मुँह धोया है, पूरी तरह मैं फ्रेश नहीं हुआ, क्योंकि बेटी का हो गया टाइम। बड़ी बेटी को लेके आते हैं, उसे सरप्राइज देते हैं, उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं आ गया हूँ। छोटी बेटी ठीक है, रेडी हो? चले खैर, जूती को रहने दो, बाबा बाइक निकाल लें फटाफट और फिर चलते हैं। जी हमारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, बेटी को लेने मैं पहुंच गया हूँ। अभी देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। अभी मैं उसे देता हूँ आवाज़, अभी आती है वो। जैनब, जैनब नासिर, हाजरा बास कौन ले गया? हाजरा को कौन लेके गया? हैं? चलो बैठो। लेन जी, मैं नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। तो अभी जो दोनों बेटियों की सबसे बड़ी फरमाइश है वो ये है कि जी हमारे जो खिलौने लाए हैं ना वो हमें दिए जाएं, और जो हमारी चीज़ लाई है वो दी जाए। मैं तो ना खिलौने लाया हूँ ना चीज़ लाया हूँ। ले गया हूँ बैग उधर से, चलो आप इधर ही बैठो फिर। ये हमारा टेंट हाउस है, ये बच्चों के लिए मैं लाया था, अब बच्चे इसमें खेलेंगे सारा दिन। चलो फातिमा इसके अंदर जाओ, चलो अभी खोल के देता हूँ आपके गुड़िया, सीधा करो इसे, सीधा करके बैठो। ये बॉल भी पकड़ो, चलो आप अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, ऐसे इधर दिखाओ। अच्छा गुड़िया भी आपको अभी मिल जाएगी, सफर कर लो। हाँ जी ठीक है, ठीक है, क्या उस अंकल के पास तो पहले है बेटा। हाँ ले जी, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आपको वसूल हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी आज जुमा भी है तो अभी मैंने नहाना धोना भी है और जुमा भी पढ़ना है।